बोला देखो आप क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन बोला है एक शंकु का छिन्नक है ठीक है, इसकी त्रिज्या लंबाई दिया आपका त्रिज्या ऊंचाई दिया है 4 सेंटीमीटर यानी कि एल का मान यहाँ पर से 4 सेंटीमीटर हो जाएगा ठीक है। दूसरा बात वृत्त की परिमाप मारो, परिमाप मतलब क्या होता है ये समझिएगा, यहाँ से चल के यहाँ तक जो जाएगा इसको परिमाप बोलते हैं। तो त्रिज्या नहीं ना मालूम है, त्रिज्या नहीं मालूम है तो त्रिज्या मालूम करेंगे यहाँ पर लिखेंगे वो यहाँ पर कि 2πr बराबर कैसे सेंटीमीटर है 2 22/7 त्रिज्या है r बराबर 18 लिखिएगा। अब देखिए r का मान निकालना है तो आपको इधर छोड़ दो, 18 × 7 / 22 दोनों कितने हो जाएगा 44। ये बड़का r निकाले कौन आ रहा है, छोटका r निकालते हैं, छोटका r के लिए देखो यहाँ पर छोटका r हो जाएगा आपका 2πr इस तरह से हो जाएगा 2πr 6 सेंटीमीटर है, कैसे सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो 2 × 22/7 आर बराबर 6, सबको उधर ले जाएंगे तो आर बराबर हो जाएगा 6 × 7/44 होगा 6 × 7/44 छोटका आर बराबर कितने हो गया 6 × 7 = 42 बोले बात समझे हो, देखो ये बड़का आर मालूम हो गया ही हमको निकालना कथी है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या निकालना है वह फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला याद है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का नहीं याद है, यहाँ देखो लिखेगा यहाँ पे छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठ पाई एल इंटू आर वन प्लस आर टू यानी कि आर प्लस ऐसा लिख सकते हैं हम, एल का मान बोलिए, एल का मान बोलिए कोई बात नहीं, एल गुना में है ना, इधर लिखिए क्या बात है, एल का मान 4 है आर आर का मान बड़का आर का मान कितने लाए 18 × 7 = 126 अब बट्टे में कितने 44 और जोड़ 42/44 यानी लिखिएगा 44 एलसीएम लेंगे तो 44 से रहेगा ना, ऊपर को जोड़ेंगे यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना जाएगा दिखेगा 22 × 4/7 और 6 × 2 = 8 12 × 4 = 16 इतने ना, अब बट्टे में कितने हैं 22 × 2 = 44 और 2 × 2 = 4 7 × 7 = 14 7 × 4 = 28 होगा 24 × 2 = 48 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है, आंसर आ गया है आ गया। चलो एक बार फिर से समझा देते हैं, याद है देखा समझ के लिए, एक छिन्नक है ठीक है, छिन्नक है यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं दिया सॉरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप दिया है इसका 18 और परिमाप दिया है इसका 6 यानी कि ऊपर वाला का परिमाप यहाँ पे 18 हो जाएगा और नीचे वाला का परिमाप यहाँ पे 6 हो जाएगा। और दूसरी बात करें तो त्रिज्या ऊंचाई दिया है, त्रिज्या ऊंचाई कितना दिया है 4 दिया है ठीक है, त्रिज्या ऊंचाई यहाँ पे 4 लिखे हैं ठीक है, चल रहा है ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग आर निकालेंगे, आर ना दिया है तो बड़का आर निकालने के लिए आपको पता है परिमाप क्या होता है 2πr, वृत्त की परिमाप क्या होता है 2πr, 2πr से यहाँ पर हम लोग बड़का आर निकाले 18 × 7/44 ठीक है, छोटका आर यहाँ से निकाले हैं, छोटका परिमाप कितना दिया था 6, तो 2πr यहाँ से आर कितना आ गया 42/44 क्षेत्रफल का आपका फॉर्मूला होता है। एक बात और ध्यान रखना आपको, संपूर्ण ने पूछा है, संपूर्ण पूछता है ना तो ऊपर को क्षेत्रफल जुड़ता है निचल को क्षेत्रफल जुड़ता है, बात समझे, संपूर्ण नहीं पूछा इसलिए संपूर्ण नहीं निकाले, पाई एल इंटू आर वन प्लस आर टू होता है ठीक है, या बड़का आर प्लस छोटका आर लिखिए 22/7 × 4 इसका मान दिया है यहाँ से हम लिए हैं 18 × 7 = 126/44 जोड़ छोटका आर का मान यहाँ से लिए हम 42/44 ठीक है, इसको जोड़े तो कितना है 168 नीचे में 44 था 22 × 2 = 7 से इसको काटे देखो 7 × 2 = 14 तो 2 बचेगा ना, 2 × 8 = 28 तो 7 = 24 24 को 2 बार पढ़ेंगे कितना आ जाएगा 48 ये आपका आंसर है ठीक है।